इस वीडियो में बात करेंगे जॉब रहने वाली है डच बान ग्रुप में गए स्पेशल वेबसाइट रहने वाली है। एमएनसी कंपनी है ये। यहाँ पे कुछ जॉब दिखा देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो गाइज मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली कंट्री। तो इंडिया में जो जॉब्स रहने वाली है अराउंड 50 जॉब्स रहने वाली है, 49 जॉब्स है इंडिया में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज काफी जॉब्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जॉब रहने वाली है पावर सिस्टम डिजाइन में सेंटर इंडिया। तो ऐसी गाइज यहाँ पे, ये तो बेंगलुरु कर्नाटका में रहने वाली है। ऐसी गाइज इसमें काफी जॉब्स है, आप इसमें देख सकते हो अपने हिसाब से जिसको जो जॉब जॉब चेक करनी है वो चेक कर सकते हैं। लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे जो जॉब्स मैंने ओपन करी है सारी की सारी गई 50 जॉब्स मैंने चेक कर ली है। उसमें से मैंने कुछ जॉब्स निकाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ वन बाई वन। तो आप उसके हिसाब से आप चेक कर लेना। जैसे मैं गई पहली जॉब निकालता हूँ, तो पहली जॉब मैंने निकाली हुई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पावर सिस्टम डिजाइन सेंटर इंडिया। तो इसकी गई इंट्रोडक्शन आप देखना चाहोगे तो रेलवे फॉर द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, तो ये इंट्रोडक्शन लिखी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, रीड मोर पे क्लिक आप चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद गए जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले, क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले और रिलेटेड फील्ड वाले भी एलिजिबल है। वो नॉलेज रहने वाले इनकी वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। जाए स्किल्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हो। आपको नॉलेज है, आप इलेक्ट्रिकल से नहीं हो, पावर सिस्टम इंजीनियर से नहीं हो, तब आपको अगर नॉलेज है इन चीजों की तब आप उसमें भी एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल वाले भी चेक कर लेना और बाकी जिसको चेक करना वो भी चेक करते हो। इसमें देखोगे एज सुन एज पॉसिबल जल्दी जल्दी अप्लाई करना, लास्ट डेट नहीं बताई है। फुल टाइम में रहने वाले रेगुलर एम्प्लॉय रहने वाला है। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। इसे चेक कर लेना, मैं दोस्तों वीडियो भी शेयर कर देना। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट मैंने और ओपन करी है जो है गेज यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग पीएमओ में। तो इसकी गेज क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले, क्वालिफिकेशन गेज सिविल इंजीनियरिंग चाहिए इनको। आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है आप इसमें एलिजिबल हो, बैचलर डिग्री करी है या फिर आपने गेज मास्टर डिग्री करी है तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले भी एलिजिबल है जिन्होंने मास्टर करी है, बैचलर वाले तो एलिजिबल है ही। तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपको आने चाहिए गाइस, और भोपाल इसकी लोकेशन है, जल्दी से अप्लाई कर लेना, फुल टाइम रहने वाली है। नेक्स्ट जो रहने वाली है वो है गाइस जूनियर इंजीनियर पीएचडी की। तो इसमें गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है 6 मंथ इंटर्नशिप रहने वाली है, 6 महीने की इंटर्नशिप है। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ है कि आपको 6 महीने के बाद ये परमानेंट कर देंगे, लेकिन साइड में इन्होंने ये लिख दिया है पर फुल टाइम परमानेंट, आप इसे देख लेना। 6 महीने की इंटर्नशिप है, मेरे ख्याल से गाइस 6 महीने की पहले इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आपको ये परफॉर्मेंस के बेस पे परमानेंट कर सकते हैं। तो इसको भी देख लो आप, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे ब्रांचेस नहीं लिखी है, सभी अप्लाई कर लेना क्योंकि जूनियर की जॉब है तो हो सकता है ज्यादा जॉब्स होंगे, यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज हो, तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर लेना। बी बीटेक वाले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल से जिसको अप्लाई करना अप्लाई कर लेना, डिप्लोमा और बीटेक। फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट की मैंने ओपन करी है। तो इसमें गेज यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मांगा है लेकिन कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जैसे ईयर वाइज है। अगर आपको इनकी थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आप अप्लाई कर लेना। बी बीटेक एमटेक और बी सी एम सी वाले एलिजिबल है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट में जो गेज ये रहने वाले टेक्नीशियन की जिन्होंने आईटीआई करी हुई है, तो वो चेक कर लेना। ट्रिपल ई सी ई एम ई वाले एलिजिबल है जो फ्रेशर भी अप्लाई करते हैं इसमें आईटीआई वाले। तो बाकी के ये जॉब्स है गेज लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा, तो इसको आप चेक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ये जॉब ओपन करी हुई थी, इसके बाद गए मैंने यहाँ पे ये जॉब ओपन करी हुई थी, ऐसे गए बाकी पेज मैंने चेक कर लिए थे, आपको ओपन के दे दिए थे। जब रहने मेरे दोस्तों वीडियो शेयर में आप देखिए। तो भाई लास्ट में एक अनाउंसमेंट आपको देना चाहूंगा, जिसने भी गए मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम वाला, फ्री वाला तो है ही लेकिन जिसको भी ज्वाइन करना है पेड वाला, जहाँ पे 49 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको रहने वाली है। और उसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, डेली डायरेक्ट जॉब्स लिंक्स मिलेंगे, और ज्यादातर जॉब्स मैं बना नहीं पाता हूँ इस वीडियो, तो वो मैं लिंक डायरेक्टली डाल देता हूँ उस ग्रुप में। और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स लिंक्स मिल जाएंगे प्राइवेट्स, और यहाँ पे इंटर्नशिप अप्रेंटिस के भी लिंक्स मिलेंगे, और इसके बाद सजेशन मिलेगी सीवी प्रिपरेशन में, और इंटरव्यू टिप्स भी वहाँ पे मैं डालता हूँ। गाइस जिसको भी मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं क्यूआर कोड सेंड करके आप उसमें पेमेंट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। तो ये रहने वाला है दोस्तों वीडियो, थैंक यू गाइस।